समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री विधायक महबूब अली के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इसी के साथ बिजनौर के सपा जिलाध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। FIR में सपा विधायक महबूब अली हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करने वाला भाषण देने का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला? आपको बता दें कि बिजनौर में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री महबूब अली ने जनसंख्या को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद हो गया। महबूब अली ने कहा, उत्तर प्रदेश से अब भाजपा की सरकार जाने वाली है क्योंकि अब मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और भाजपा के जाने का समय आ गया है। महबूब अली ने कहा कि अब समाजवादी पार्टी का वक्त शुरू हो गया है और उसकी सरकार आने का समय आ गया है। मुसलमानों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। महबूब अली बिजनौर सपा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महबूब अली ने आगे कहा था, उत्तर प्रदेश से अब भाजपा की सरकार जाने वाली है क्योंकि प्रदेश में मुसलमान की आबादी लगातार बढ़ रही है और इसीलिए अब भाजपा के जाने का समय आ गया है। महबूब अली ने कहा था, इंशाल्लाह 2027 में हमारे आने का समय आ गया है और ये तय है कि अब बीजेपी जल्दी से दोबारा लौट नहीं पाएगी। इस दौरान सपा विधायक ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, देश में हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर कोई अमन चैन चाहता है, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते। आने वाले वक्त में समझ जाओ, अब तुम्हारा राज खत्म होने वाला है। अब मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है। कौन है महबूब अली? बता दें कि महबूब अली उत्तर प्रदेश के अमरोहा से सपा विधायक हैं। पूर्व में वो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। सपा के कद्दावर नेताओं और बड़े मुस्लिम नेताओं में उनका नाम शामिल किया जाता है। अमरोहा क्षेत्र में महबूब अली सपा का बड़ा नाम रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि महबूब अली पहली बार 2002 में विधायक चुने गए थे। इसके बाद वे 2012 और 2017 में भी विधायक बने। अमरोहा से उनकी जीत का सिलसिला काफी समय से बरकरार है। महबूब अली को अखिलेश यादव का खास समझा जाता है।